आदाब नाजरीन, मैं त्रिदीप रमण एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका चहेता टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी कौम की अपनी बुलंद आवाज। नाजरीन आदाब, मैं हूँ साइमा खान। दुनिया जहाँ से निराले प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के हंसते कल की खातिर अपना आज भी दांव पर लगा देने से पीछे नहीं हटते और अपनी जिंदगी को जिम्मेदारियों की भट्टी में झोंक देते हैं। इस्लाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बेवसी और दर्द से भरी यह कहानी है मेरठ के किठौर कस्बे में रहने वाले मोहम्मद इस्लाम की। बेवसी, बेरोजगारी और रसूखदारों के जुल्मो सितम से तंग आकर मोहम्मद इस्लाम परिवार सहित दिल्ली आने का फैसला करता है। वहाँ पे मजदूरी करा करके पैसे नहीं देते थे और बड़े लोगों की जो थी गरीब आदमी पे जबरदस्तियाँ ज़्यादा थी, उन्हें मारना, कूटना, परेशान करना, उनकी परेशानियों से भाग करके दिल्ली आए। मेरठ छोड़ते वक्त इस्लाम ने सोचा था कि दिल्ली पहुंचकर वो अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों से निजात पाकर एक खुशहाल जिंदगी जिएगा। इस्लाम की खुशहाल जिंदगी का ख्वाब पूरा होना मुश्किल हो गया क्योंकि दिल्ली ने भी उसकी बेवसी को अनदेखा कर दिया। तब उसे मजबूरन बेलदारी, पल्लेदारी, पेंट का काम और रिक्शा चलाना पड़ा। परेशान किया, भूखा भी रहना पड़ा दिल्ली में, मजदूरी भी करनी पड़ी, बेलदारी भी करनी पड़ी, पेंट का भी काम किया, लेबर का भी काम किया, रिक्शा भी चलाया, बहुत काम ऐसे हैं जो मैंने काम किए। ख्वाब को हकीकत में बदलना कितना मुश्किल होता है ये इस्लाम को समझ में आ गया था। इस्लाम दिल्ली तो यह सोचकर आया था कि वह एक नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है, पर आज तक दिल्ली उसके परिवार को दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रही थी। जिंदगी की जद्दोजहद से लड़ते भिड़ते इस्लाम को मजबूर होकर अपने परिवार को दिल्ली में यहाँ अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ना पड़ा। इस बात का उसे आज तक बेहद मलाल है। सवाल दिल्ली जैसे महानगर में अपने परिवार को पालना था, उसकी ये मेहनत आज रंग लाई है। उसने अपनी मेहनत के दम पर आज अपना खुद का आशियाना बना लिया है और अपना खुद का कारोबार करने की सोच रहा है। अपनी लगन और बच्चों को अच्छी तालीम देने की चाहत से इस्लाम ने जिंदगी से दो दो हाथ करने की ठान ली। नहीं सर, थोड़ी परेशानियां तो होती हैं पर बच्चों को काबिल करने के लिए कुछ परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और कुछ खर्चे कम करने पड़ते हैं और दो चार घंटे मेहनत भी फालतू करनी पड़ती है। इस्लाम ने अपनी बेटी को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कराया, आज वो शादी करके ससुराल चली गई है। इस्लाम अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए बड़े बेटे के साथ दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका बेटा आगे चलकर अपनी गुर्बत और मुफलिसी को पछाड़कर एक नया मकाम हासिल कर सके। अवाम में इस्लाम की दास्तां बयाने के बाद अब वक्त हो चला है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की बात, उनके जज्बात, उनके मसाइल की शिनाख्त की छोटी सी कोशिश। अजनबी ख्वाबों के उड़ते हुए सायों के तले मोम की तरह पिघलते हुए चेहरे के नक्श हर नए ख्वाब की धुन सुन के बदल जाते हैं। किसी भी मुल्क की कामयाबी में औरतों की खास अहमियत होती है। यही वजह है कि मुल्क की तरक्की में आज औरतों के किरदार को लेकर तमाम मुल्क संजीदा हो रहे हैं। बात चाहे तालीम की हो या फिर नौकरी की, औरतों से जुड़ी होने की वजह से उन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इस खास मिशन में अब सऊदी अरब भी पीछे नहीं, जहां बुरके में छिपी औरतें भी अपनी कामयाबी के लिए आगे कदम बढ़ाएंगी क्योंकि वहाँ औरतों की नौकरी की तरफ एक कारगर कदम उठाने का फैसला लिया गया है। सऊदी अरब ने यह फैसला किया है कि औरतों को रोजगार दिलाकर मुल्क को अच्छे मकाम तक पहुंचाया जाए। सऊदी अरब एक ऐसा शहर बसाएगा जो सिर्फ औरतों के लिए होगा। ये एक इंडस्ट्रियल शहर होगा और इस शहर में औरतें इस्लामी कानून को नजर में रखते हुए नौकरी कर सकेंगी। इस शहर में कई कंपनियां होंगी जो सिर्फ औरतों के लिए ही होंगी, यानी जहां सिर्फ औरतों को ही काम मिलेगा।
आपको बता दें, सऊदी अरब के शरिया कानून में औरतों को मर्दों के साथ काम करने पर पाबंदी नहीं है, फिर भी वहाँ की कुल 15% औरतें ही काम करती हैं। इस शहर पर काम भी शुरू हो गया है और सऊदी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ने इस सिटी का नक्शा भी तैयार कर लिया है। इस शहर को हफूफ एयरपोर्ट के पास बसाया जाएगा, जिसके लिए जमीन भी मंजूर कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस शहर पर अगले साल से काम शुरू हो जाएगा। इस शहर को बसाने का मकसद मुल्क की तरक्की में औरतों की हिस्सेदारी को बढ़ाना है और ये शहर आबाद होने के बाद औरतें अपने घरों से निकलकर अपना मनचाहा काम कर सकेंगी। यही वजह है कि इसी तर्ज पर आगे और भी कई शहर बसाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस शहर में सिर्फ औरतें ही होंगी और उनके लिए ही कामकाज का इंतजाम होगा। इस बात पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि काम करने वाली औरतों को इस्लाम के कड़े कानून और उसके दायरे में रहकर ही काम करना होगा। गौरतलब है कि यहाँ की औरतें कामकाज के मामले में काफी पीछे हैं। इसकी वजह यहाँ सख्त कानून को माना जाता है। सऊदी अरब की हुकूमत पिछले काफी अरसे से औरतों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। हुकूमत की इस कोशिश के साथ औरतों को काम भी मिलेगा और उनके अंदर खुद एतमादी भी आएगी। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम पेश करेंगे मकाम। मकाम में आज हम आपको मिलवाएंगे कार्टूनिस्ट इरफान से। वक्त की धड़कनों को आप यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मकाम में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिनका फन उनकी जुबान है, जिसने लोगों को हंसने खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्क के मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान साहब की।